सो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नमस्ते, वेलकम समस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एक बहुत बढ़िया सा खुशखबरी के बारे में, गुड न्यूज के बारे में, जो कि अभी के लिए तो इफेक्टिव है ही, लेकिन आगे चल करके आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा दिलाने वाले फ्री फायर के अंदर। बहुत सारे चीजें यहाँ पे स्टोर के अंदर आप लोगों को गोल्ड में देखने के लिए मिल रहे हैं या फिर मिलने वाले हैं, तो इनसे रिलेटेड में आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर न्यूज देने वाला हूँ। बहुत ही सही सा न्यूज है। इसी के साथ साथ और भी काफी सारी चीजें, जैसे कि न्यू बंडल्स कौन कौन से आने वाले, जो कि हमसे उड़ गए थे, न्यू स्काइबिंग कौन सा आने वाले और न्यू स्काईबोर्ड कौन कौन से आने वाले, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो सारे यार नए अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। चलिए फिर बिना किसी तरीके, बिना किसी वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो एंड शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। दोस्तों, फ्री फायर के अंदर जब से आप लोगों को स्काइविंग देखने के लिए मिला है, तब से मेरे ख्याल से जो सर्वोर्ड का स्किन्स थे ना, या फिर सर्वोर्ड थे, उनका डिमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा लो हो चुका है। लोग ज्यादातर स्काइविंग्स का यूज करना ही गेम के अंदर आजकल पसंद कर रहे हैं। लेकिन स्काइविंग के साथ दिक्कत तो नहीं है, पर एक अच्छा चीज ये है कि स्काइविंग आप लोगों को गेम के अंदर अभी एडिक्वेट अमाउंट में देखने के लिए नहीं मिलती। हर दो अपडेट्स के बीच में, या फिर कह लीजिए 2 से लेकर के 2.5 महीने के बीच में, आप लोगों को गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर के 3 न्यू स्काइविंग के स्किन देखने के लिए मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को उनमें से एक दिखा देता हूँ, जो कि आप लोगों को इस अपडेट के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। तो स्क्रीन के ऊपर अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये होने वाला है अपना ट्रैप थीम का एक मस्त सा स्काइविंग का स्किन। ट्रैप थीम आप लोगों को पता ही होगा, जिस थीम के ऊपर आप लोगों को एक स्पेशल बुगे पास देखने के लिए मिल रहा है, और इसी के साथ और भी काफी सारे स्पेशल आप लोगों को इमोट्स वगैरह भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ट्रैप का इस बार आप लोगों को इवेंट्स बहुत तगड़े देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर से ये स्काइविंग का स्किन को भी आप लोग बड़े इजीली ले सकते हो। बाकी ये स्काइविंग का स्किन आप लोगों को अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, कैसे भी लगा हो, लेकिन कॉमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि फ्री फायर के अंदर पहले भी आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरीके का, अलग अलग प्रकार का स्काइविंग का स्किन देखने के लिए मिल चुके हैं। तो अगर उनसे हम लोग इसको कंपेयर करें, आप लोगों को अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, यार जरूर कमेंट करके बता देना। इसी के साथ साथ वीडियो के अंदर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। स्काइविंग का बात हम लोग कर ही रहे थे, सर्वर कैसे पीछे छूट जाएगा यार? आप लोग सर्वर यूज ही नहीं करते, वो बेशक अलग बात है, लेकिन अभी मैं आप लोग को एक ऐसा सर्वर का स्किन दिखाने वाला हूँ, उसे देखने के बाद आप लोग भी उसे यूज करने लग जाओगे, जो कि अभी आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। ये सर्वर का स्किन मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगा। आप लोग खुद बताइए, क्या फ्री फायर के अंदर आज तक ऐसा कोई सर्वर का स्किन आया था? मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है, आज तक ऐसा एक सर्वर का स्किन हम लोग को गेम में कभी देखने के लिए नहीं मिला। कि सर्वर के बारे में अगर हम लोग बातें कर ही रहे हैं, क्यों ना इस वाले ओबी अपडेट के अंदर जितने भी सारे सर्वर का स्किन आने वाले, उन सभी को देख लिया जाए और कंपेयर कर लिया जाए कौन सा सबसे बेस्ट है और कौन सा सबसे घटिया है। चलिए इस प्रक्रिया को अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, नहीं पहला वाला तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया बहुत पहले से, ये आप लोगों का सेकंड वाला सर्वर का स्किन। दोस्तों ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे चल करके हम लोग को डिसाइड भी करना है कि कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, भाई ये यार ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये एक थीम सर्वर होने वाला है मेरे ख्याल से, ट्रैप थीम का। ओके कोई बात नहीं, आगे चलते। ओके ये भी ट्रैप थीम का एक सर्वर का स्किन है, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो गाइस, ठीक है? यार अभी तक हम लोगों ने इतने सारे सर्वर का स्किन देख लिया है, पर ऐसा लगता है कि पहले वाले सर्वर के सामने ना बाकी सब पानी कम है। बाकी इस वाले को आप लोग देख सकते हो, ये ब्लैक बनी थीम का एक सर्वर होने वाला है। इसके ऊपर एक छोटा सा क्यूट सा ब्लैक बनी बैठा हुआ है, अच्छे से नोटिस भी किया होगा, ठीक है? आगे चलते हैं और लास्ट वाले सर्वर के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। लास्ट नहीं होने वाला है, पर कुछ तो होने वाला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये होने वाला है एक बिल्कुल ही कटना सा दिखने वाला एक सर्वर का स्किन, जिसके ऊपर एनिमेशन बिल्कुल भी नहीं है। बाकी ये वाला सर्वर आप लोग देख सकते हैं, ये गेम के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, स्पाइडर वर्स थीम का एक सर्वर का। अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन इन द स्पाइडर वर्स या फिर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स वाला मूवी को देखा होगा, तो फिर आप लोगों को पता होगा ये सर्वर कहीं पे बैकपैक के जैसा यूज हुआ था। कहां यूज हुआ था, किसने यूज किया था, यार आप लोग कमेंट करके बता देना। वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं ही बता देता हूं, एक स्पाइडरमैन ऐसा भी आया था जो कि पॉप आर्टिस्ट था, ठीक है? वही ये गिटार यूज करता था गाइस, ठीक है? और उसके पीछे ये गिटार चलता रहता था और ऐसे ग्लिच इफेक्ट भी आता रहता था, ठीक है? तो उसी थीम के ऊपर से इसको लिया गया है। आप लोगों को ये सब जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, पर मैंने सोचा यार बता दो, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बाकी की चीजें भी हम लोग जान लेते हैं यार, ऐसे सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में बात करना यार ऐसा नहीं होता है। ओके तो वीडियो के अंदर अब तक तो हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ ही चुके हैं और बात कर चुके हैं इधर उधर की बहुत सारे बातों के बारे में। अभी हम लोग मुद्दे की बात करने वाले हैं। तो करना
परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अरे रुको रुको केजी चाचा, ऐसे क्यों भड़क रहे हो? ठीक है, अगर भड़क ही रहे हो तो मैं आपका यार सॉल्यूशन निकाल देता हूँ। अभी की अभी हम लोग इस वाले वीडियो का मेन टॉपिक के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, यानी कि गोल्ड के अंदर फ्यूचर में आप लोगों को कौन कौन सी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले, गोल्ड कितना ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले, वापस से हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, वो भी बड़े अच्छे से। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जैसे कि दोस्तों अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर क्या देख पा रहे होंगे, बहुत सारे पेट्स यहाँ पे है कि नहीं। तो ये सारे पेट्स को आप लोग पहले डायमंड्स दे करके ले सकते थे, पर अब से इनको आप लोग गोल्ड से एक्सचेंज भी कर सकते हो। ये आप लोगों को सपना के जैसा लग सकता है, पर ये सपना नहीं है, यही हकीकत है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ऐसा नहीं कि मैंने इसको खुद से एडिट करके बना दिया है, नहीं। फ्री फायर के अंदर बहुत जल्दी आप लोगों को इस टाइप का इवेंट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर रहेगा कि गोल्ड से आप लोग किसी भी चीज को यहाँ पर ले सकते हो। किसी भी चीज से मेरा मतलब यही है कि अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ पेट तक ही सीमित है, और पेट से रिलेटेड कुछ आइटम्स के लिए सीमित है। लेकिन क्या आगे भी ऐसा होने वाला है? जी नहीं, फ्री फायर ना अभी कुछ भी करके इंडिया के अंदर रहना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे कैसे खेले उस चीज के ऊपर फ्री फायर के यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस है। इसलिए डायमंड्स आप लोग जैसे बोलते रहते ना पे टू विन, फ्री फायर दरअसल ऐसा हो रहा है अभी धीरे धीरे करके, फ्री फायर पे टू विन से फ्री टू प्ले टाइप का जा रहा है। ठीक है, मैं तो आप लोगों को बोलूंगा जिसके पास जितने भी गोल्ड्स हैं उनको संभाल के रखिए, ध्यान से यार बहुत सारे गोल्ड्स कलेक्ट करते रहिए, क्योंकि आगे चल करके गोल्ड्स मिलने कम हो जाएंगे, पहली बात तो ये। और जो भी चीजें आप लोगों को मिल रहे होंगे स्टोर के अंदर, चाहिए वो इमोट हो जाए, बंडल हो जाए, अच्छे अच्छे जितने भी सारे चीजें आप लोगों को पता है, सभी चीजें कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए आप लोगों को गोल्ड में देखने के लिए मिलेंगे। ये चीज आज नहीं तो कल डेफिनेटली होने वाला है, आप लोग लिख के ले लीजिए। बाकी फ्री फायर का ये जो न्यूज था, ये आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। दिल गार्डन हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला न्यूज सुनने के बाद सचमुच आप लोगों का दिल गार्डन हो गया। तो इस वाले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल दीजिए, क्योंकि यार मैं आप लोगों के लिए जैसे अमीर नहीं हूँ, ठीक है, मेरे घर में एसी वैसी नहीं है यार, गर्मी में ऐसे पसीना विसना छूट रहा है, पर यार वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेहनत तो यार बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी रिजल्ट मेरे को कम देखने के लिए मिल रहा है, पर कोई बात नहीं, ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा। पर जितने भी लोग देख रहे हो एटलीस्ट वही लोग अगर सपोर्ट कर देंगे ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील होगा। ठीक है, तो यार लाइक नहीं किया था लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल देना, और आप लोग ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो हमारे चैनल के अंदर से रोज देखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को ज्यादा खींचने से वीडियो अच्छा नहीं बन जाता है, पर यार मेरे को जो न्यूज आप लोगों तक पहुंचाना था वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया, यही मेरा था जो कि हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से खेलते रहो, अपने सारे एनिमीज को मारते रहो।